पालघर जिले के चारोटी में एशियन पेट्रोल पंप के सामने आज मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर व्हाइट केमिकल यानी हाइड्रोकार्बन ऑयल से भरा टैंकर पलटने से अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते टैंकर में भरा केमिकल पूरे हाईवे पर फैल गया, जिसके कारण यहां से गुजरने वाले वाहनों की रफ्तार रुक गई। सड़क पर फैले केमिकल के कारण वहां मौजूद लोगों और वाहन चालकों के मन में डर फैल गया कि कहीं यह केमिकल ज्वलनशील तो नहीं है। हालांकि घटना के बाद वहां कुछ लोग इसे तेल समझकर अपनी अपनी बाल्टी और डब्बे में भरने लगे। टैंकर में 10 लाख से ज्यादा कीमत का केमिकल भरा हुआ था। गनीमत इस बात की है कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। तो ये गैस का टैंकर वाला पूरा हुआ है उस्ताद, वो आगे गैस का टैंकर वाला खड़ा जाओ। अरे अभी तू किधर जा रहा है? हटने जा रहा है क्या? एक कसक के थे डीजल जमा, लेकिन इसके अंदर लगता है ढक्कन नहीं बनते रे, इसके अंदर ढक्कन नहीं बनते, सील नहीं बराबर मारा है। हाँ सील, वही तो मैं इसको बोला। क्रेन लोकल लोकल वाला ना, क्रेन ना उचला पाहिजे असा जनते हम एकदाचा। वहीं इस घटना को लेकर ट्रैफिक विभाग के PSI बालू राठौड़ ने बताया कि यह घटना उस वक्त हुई। आज सुबह करीब 8 बजे के आसपास मुंबई की तरफ जा रहे टैंकर चालक का नियंत्रण टैंकर से खो गया और टैंकर डिवाइडर से टकराकर गुजरात के लेन में जाकर पलट गया। राजस्थान के निवासी वाहन चालक दुर्गाराम ने पुलिस को बताया कि टैंकर में भरा हुआ केमिकल सीमेंट बनाने के लिए उपयोग में होने वाला केमिकल है और यह ज्वलनशील नहीं है, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस लिया। वहीं इस घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और दोनों फायर ब्रिगेड कर्मियों की मदद से टैंकर को क्रेन की सहायता से किनारे हटाकर केमिकल को धोने के बाद फिर से वाहनों का आवागमन शुरू किया गया। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।